बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का, एक बार फिर हाजिर हैं। और हमारे साथ हैं मनप्रीत सिंह चीमा जी, जो स्टडी स्केयर से ऑस्ट्रेलिया के जाने माने एक्सपर्ट हैं। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर और मनप्रीत चीमा जी से बात कर सकते हैं। आज का टॉपिक है जो रीजनल एरिया है ऑस्ट्रेलिया में, वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स रीजनल एरिया की जानकारी चाहते हैं, रीजनल एरिया में कितने फंड्स चाहिए, कितनी अकाउंट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, किस तरह के स्कॉलरशिप रीजनल एरियाज़ में आते हैं। और नवंबर इनटेक में अभी से रीजनल एरियाज़ के वीज़ा आने शुरू हो गए हैं। नवंबर इनटेक का वीज़ा कब तक मिलेगा और जनवरी इनटेक में कौन कौन अप्लाई करे, ये तमाम क्वेश्चंस हम मनप्रीत चीमा जी से पूछेंगे। मनप्रीत जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। रीजनल एरिया में फंड्स का पूरा जो हिसाब किताब है, मैं चाहूँगा आप एक बताइए, पेरेंट्स को पता लगे कि रीजनल एरिया में किस तरह के फंड्स चाहिए। जी सर, एक्चुअली सर जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता रीजनल एरिया के लिए, ऑलमोस्ट सेम ही है रीजनल एरिया में जो रिक्वायरमेंट है। बट हाँ, रीजनल एरिया के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने पहले भी कई बार बताए हैं कि रीजनल एरिया में जो है कि स्कॉलरशिप्स अच्छी मिल रही हैं, वीज़ाज अच्छे मिल रहे हैं, लिविंग जो एक्सपेंसेस है वो कम है, और जो जॉब्स बच्चों को मिल रही हैं उसमें बाकी सिटी से थोड़ी सी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है इसमें रीजनल एरियाज़ में, वेजेस अच्छे हैं रीजनल एरियाज़ में। फंडिंग की बात आपने बोली, फंडिंग देखो ऑब्वियसली अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंडिंग में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं कि आप स्कॉलरशिप माइनस करके फाइनेंशियल्स हमें शो कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती हैं कि फाइनेंशियल्स हैं आप स्कॉलरशिप को ऐड करके ही, मतलब आप ये कंसिडर मत कीजिए कि स्कॉलरशिप मिली है, जितनी एनुअल फीस है उसके अकॉर्डिंग ही हमें आप फाइनेंशियल सेंड कीजिए। तो मेन ये है कि एक तो रीजनल एरिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि यही है कि वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, हाई कमीशन भी चाहता है कि बच्चे भी रीजनल एरिया में जाएं, क्योंकि रीजनल एरियाज़ को वो भी प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो बड़े सिटीज़ से निकल के अब रीजनल एरियाज़ की तरफ जाएं बच्चे। तो अगर कोई भी बच्चा रीजनल में अप्लाई कर रहा है, देखो जैसे मैंने पहले बताया कि सिटी और रीजनल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है फाइनेंशियल्स को दिखाने का, अगर कोई रीजनल में भी जा रहा है तो फाइनेंशियल सेम कैलकुलेट होंगे, वन ईयर की फ़ी और वन ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस, वन टाइम ट्रैवल, इसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होंगे जो रीजनल एरिया में फंड्स हैं। बट ये स्कॉलरशिप अगर मिलती है बच्चे को तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अभी ऑप्शंस किस तरह की रहती हैं रीजनल एरिया में नवंबर इनटेक के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स बड़े तेज़ी से आ रहे हैं? ऑप्शंस बहुत हैं सर, काफ़ी रीजनल एरियाज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में और बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेन बेनिफिट यही है बच्चों को रीजनल में अभी अप्लाई करने का कि यूनिवर्सिटीज़ भी थोड़ी सी रिलैक्स होकर ऑफर लेटर्स दे देती हैं, वो भी खुद स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं कि बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं नवंबर के लिए कि बच्चे नवंबर में मैक्सिमम बच्चे फ़ी डिपॉजिट करवाएं। बट द थिंग इज़ कि नवंबर इनटेक भी अब बहुत पास आता जा रहा है, टाइम बहुत कम है। अगर कोई बच्चा नवंबर में अप्लाई करना चाहता है और वो किसी रीजनल एरिया को ही टारगेट कर रहा है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई द एप्लीकेशन, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब सितंबर में अगर बच्चा अपने फाइनेंशियल्स और ऑफर लेटर लेके सारी चीज़ें ख़त्म करेगा तभी हम अक्टूबर में फाइल करके नवंबर में वीज़ा लेके बच्चा ऑस्ट्रेलिया जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई बच्चा नवंबर इनटेक का बेनिफिट लेना चाहता है और किसी रीजनल एरिया में अप्लाई करना चाहता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, यही आपके पास 15-20 दिन है जिसमें आप अपनी ऑफर लेटर को अप्लाई करो और सितंबर में अपने फाइनेंशियल्स क्लियर करके अक्टूबर में आप अपनी फाइल हाई कमीशन में लगा दो, बिकॉज हाई कमीशन भी 1-1.5 महीने का टाइम ले रहा है वीज़ा देने में आज की डेट में। वो अलग बात है कि ऑटो ग्रांट वीज़ाज भी आ रहे हैं बट हर बच्चे को ऑटो ग्रांट वीज़ा भी नहीं मिलता, तो मैक्सिमम बच्चों को नॉर्मल प्रोसेसिंग के साथ ही वीज़ाज मिल रहे हैं, तो हाई कमीशन भी 1-1.5 महीना ले रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि अप्लाई कीजिए और अक्टूबर में अपनी फाइल हाई कमीशन में लगाने की कोशिश करिए अगर आप नवंबर में जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जनवरी इनटेक के लिए भी ऑप्शंस खुल गई हैं? जनवरी पूरा ओपन है सर, किसी भी फील्ड में बच्चा अप्लाई करना चाहता है, नर्सिंग, कॉमर्स बैकग्राउंड, मास्टर्स, बैचलर्स, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड में कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, जनवरी तो मेजर इनटेक है, उसमें हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है बच्चे को नवंबर में जाना, अगर किसी का आइल्स पेंडिंग, अभी उसने आइल्स नहीं दिया, वो प्रिपेयर कर रहा है, उसको लग रहा है मेरे को 1 महीना और लगेगा, तो वो जनवरी के लिए अप्लाई कर दो, वो बच्चा जनवरी के लिए अप्लाई कर दे, बिकॉज जनवरी के लिए भी अब टाइम अगर आप देखो तो अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल सितंबर में आइल्स देगा तो वो अक्टूबर में जाके अपने फाइनेंशियल्स वगैरह क्लियर कराएगा, तो नवंबर में हम फाइल करेंगे तो वही बात आ जाएगी, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम है वीज़ा लेने के लिए, तभी बच्चा जनवरी में जाएगा।
तो जनवरी को भी मैं बहुत दूर नहीं बोलूँगा, जनवरी भी ऑलमोस्ट आ ही गया है। अगर कोई बच्चा सिंसियर है, अगर कोई बच्चा नर्सिंग में जाना चाहता है तो वो अपना फटाफट आइल्स दे, क्योंकि नर्सिंग की सीट्स भी सिर्फ जनवरी में होती हैं और काफ़ी सीट्स फुल हो गई हैं। इवन कि आज भी हमारी दो तीन ऑफर्स आई हैं जनवरी इनटेक की, और मेरे को लगता है कि हमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो बोल भी दिया कि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स बच गई हैं नर्सिंग के लिए जनवरी में। तो जनवरी भी ऑलमोस्ट आ ही गया है, तो जिस बच्चे ने भी जनवरी के लिए अप्लाई करना है तो वो भी अपनी ऑफर लेटर अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मनप्रीत चीमा जी ने शेयर की है। स्टडी स्केयर के इस नंबर पे जो स्क्रीन पे है, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से फ़ोन करिए, चीमा जी से बात करिए या इनकी टीम से बात करिए। ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, आप जूम मीटिंग का सेशन, जूम सेशन से आप मीटिंग कर सकते हैं। किसी भी टाइम इस नंबर पर आप कॉल करें और व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।